जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दो चरण की 50 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बारी तीसरे यानी अंतिम चरण की वोटिंग की होनी है। जम्मू कश्मीर के फाइनल चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 5 अक्टूबर को मतदाता करेंगे। इस चरण की 40 सीटों में से 24 सीटें जम्मू रीजन तो 16 सीटें कश्मीर इलाके की हैं। यही वजह है कि इस फेज में असल इम्तहान बीजेपी और कांग्रेस का है, क्योंकि जम्मू बेल्ट में इन्हीं दोनों दलों का सियासी आधार है। इस तरह जम्मू रीजन के इलाकों में उसका ही पलड़ा भारी रहेगा जो हिंदू मतदाताओं के दिलों को जीतने में कामयाब रहेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज की 40 सीटें दो रीजन में बंटी हुई हैं, कश्मीर रीजन की 16 सीटें और जम्मू क्षेत्र की 24 सीटें। फाइनल चरण के फेज में कश्मीर रीजन से ज़्यादा जम्मू क्षेत्र की सीटें हैं। कश्मीर की सियासत में मुस्लिम वोटर अहम हैं तो जम्मू में हिंदू वोटर अहम रोल प्ले करते हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर के अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस सियासी भविष्य का फैसला हिंदू मतदाता करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी ने हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार में उतारकर हिंदू वोटों पर अपनी पैठ जमाए रखने का दांव चला है। सीएम योगी ने गुरुवार को रामगढ़ में जनसभा को संबोधित किया तो शुक्रवार को दो रैलियां की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी जम्मू क्षेत्र की सीटों पर प्रचार करके बीजेपी के मजबूत दुर्ग को बचाए रखने का दांव चलेंगे। 10 साल पहले बीजेपी जम्मू कश्मीर की सियासत में किंग मेकर बनकर उभरी थी तो उसमें जम्मू रीजन की सीटों का अहम रोल था। बीजेपी 2014 के चुनाव में 25 सीटें जीतकर सरकार में साझेदारी बनी थी। बीजेपी ने पीडीपी को समर्थन दिया था, इसलिए जम्मू को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां पर उसका वर्चस्व अभी भी कायम है। तीसरे चरण की जिन 40 सीटों पर चुनाव है उसमें 24 सीटें जम्मू रीजन की हैं। बीजेपी तीसरे चरण की 17 सीटों पर 2014 में जीतने में सफल रही थी। ये सभी सीटें जम्मू रीजन की थीं। कश्मीर के रीजन में बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है, इसके चलते पार्टी का पूरा दारोदमार जम्मू रीजन और हिंदू वोटर्स पर टिका हुआ है। जम्मू रीजन में इस बार बीजेपी की सियासी राह में कुछ मुश्किलें भी हैं। जम्मू क्षेत्र की 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, जिसमें 19 सीट पर उसे कांग्रेस से मुकाबला करना पड़ रहा है और 5 सीटों पर नेशनल कांग्रेस ने 2-2 हाथ करना होगा। जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पीडीपी और कश्मीर की दूसरी पार्टियों का कोई खास सियासी आधार नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का ज़रूर सियासी आधार है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव में उतरने से कांग्रेस की ज़रूर टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के लिए गुलाम नबी की पार्टी चिंता बढ़ा रही है तो बीजेपी के लिए पैंथर पार्टी ज़रूर टेंशन बनी हुई है। जम्मू रीजन में हिंदू वोटों के चलते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अपने जड़े नहीं जमा पाईं। कांग्रेस और पैंथर पार्टी के इर्द गिर्द रहा है, हिंदू वोट बैंक सिमटता रहा लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी के साथ है। कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता तीसरे चरण में ताकत लाएं ताकि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को मात दी जा सके। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण की 40 में से 24 सीटें जम्मू और 16 सीटें कश्मीर की हैं। 2014 में कश्मीर के इलाके की 16 सीटों पर पीडीपी राजनीति का पलड़ा भारी रहा तो जम्मू क्षेत्र की 24 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। अनुच्छेद 370 और परिसीमन के बाद सियासी हालात बदल गए हैं। जम्मू और कश्मीर के बीच सीटों का बहुत अंतर नहीं रह गया है। कश्मीर क्षेत्र में इस बार पीडीपी को कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में माहौल बना है, लेकिन निर्दलीय और अन्य पार्टियों ने टेंशन बढ़ा दी है। जम्मू में बीजेपी के सामने कांग्रेस ही चुनौती है, ऐसे में देखना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जम्मू में किसका पलड़ा भारी रहता है।